मैं बिलाल कुतब और आज मेरे साथ आसानियाँ पैदा करने के लिए दो डॉक्टर हैं एक डॉक्टर होता है दो डॉक्टर हैं एक डॉक्टर आगे नेमी भाई असल डॉक्टर और डॉक्टर साहब का जो मौजूद थीसेस है यकीन करें अगर मैं इनका किसी तरह से एक्सटर्नल होता तो मैं उनको बता के पूछता कि भाई पहले मुझे तीन चार घंटे समझाओ कि ये आप क्या कह रहे हैं कमाल टॉपिक है और ये इन ते ज़रूर बात करेंगे और डॉक्टर मोहम्मद नासिर रशीद डॉक्टर कैरियस हैं डॉक्टर साहब की स्पेशलाइजेशन जो है वो बाल है और वो सर के बाल है डॉक्टर साहब पहले तो सबसे ये बताइए कि कुछ अरसा पहले तक हम ये सुनते थे कि बाल अगर आपके कम हो गए हैं तो आप तेल लगाएं मालिश लगवाएं फिर हमने सुना कि सर्जिकल प्रोसीजर्स आ गए हैं इनमें से को कुछ प्रोसीजर्स जो थे उनको एफ यू ई टाइप नाम भी दिए गए ये थोड़ा सा समझाइएगा कि ये क्या चीज़ है क्या तरीकाकार रहा है ये देखिए बेसिकली ट्रांसप्लांट हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एक माइनर सर्जरी है और उसको छोटी सर्जरी छोटी सर्जरी है उसको करने की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं ठीक तो उसमें जो आपका uh, डोनर एरिया यानी कि जो बाल जड़े जहाँ हैं। हैं। आप आप, अपने, अपने हैं। हैं। गर्दन के पिछले हिस्से देखा होगा तो उनको वहां से जो निकालने की टेक्नोलॉजी कह लें या मैथड कह लें वो दो डिफरेंट तरह के हैं कि एक है कि आप इंडिविजुअल रूट को ड्रिल करके कट करके निकालें एक एक को एक एक बाल को एक एक जड़ को निकाल स्किन की टिश्यू के साथ डीप जाके वो पूरी रूट निकालनी है ठीक तो वो अगर आप वन बाई वन करके कट करके उसको निकालते हैं करके, और अगर आप एक पीछे स्टिच कर दें और उस हिस्से में से फिर बालों फिर को निकाल बाद के में उसको सेपरेट करें सेपरेट करें और वो फिर एक एक हिस्से में डालें वो डालें ये जो डालना होता है ये भी कट करके डालना होता है डॉक्टर साहब नहीं ये इंजेक्शन की तरह होता है बिल्कुल जिस तरह आप इंजेक्ट करते हैं जिस तरह कोई भी इंजेक्शन लगता है उसी तरह की वो बिल्कुल उसी गेज की नीडल होती है उसी के थ्रू वो लगता जाता है उसमें कट नहीं होता यानी कि आपका बाल एक इंजेक्शन अंदर गया और वापस आ गया ये कमाल बात है बालों को एक एक बाल को निकालना और एक एक बाल को लगाना डॉक्टर साहब तकरीबन कितने बाल एवरेज निकाले जा सकते हैं एक आम आदमी के डिपेंडिंग के लोगों के पीछे डोनर डेंसिटी यानी कि घनापन फर्क होता है जिनका ज्यादा हो उसमें तो एक दिन के अंदर कोई फोर थाउजेंड फाइव भी। पांच हजार बाल रूट, रूट, एक, रूट, एक एक बाल रूट, रूट, रूट निकालते हैं हाँ एक एक जी यानी कि आपने जो पेशेंट चार हजार दफा उसको निकाले हाँ जी और चार हजार रूट है हमारा ख्याल था मेहनती लोग हैं कमाल है चार हजार लगाना है हाँ जी इसीलिए आवर्स लगते हैं हेरा लाहौर से है जनाब जी हेरा असला जी मैं डॉक्टर साहब से दो तीन सवाल करना चाह रही थी जी जी तो ये की आज कल बरसात का मौसम चल रहा है जिसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं जी, जी. जब बाल गिरते हैं तो उनकी वो वाली ग्रोथ दोबारा नहीं होती तो उसके लिए थोड़ा सजेस्ट कर दें कि कोई ट्रीटमेंट ठीक रहेगा या फिर हम उसको नेचुरली जो है वो ग्रो करने दें ये बताइए तो तो है अपना इस मौसम के अलावा तो नहीं बाल गिरते गिरते हैं सारा साल ही गिरते हैं लेकिन ये है कि उसकी जो रेशो है वो कम होती है लेकिन अब बरसात के मौसम में काफी ज्यादा है ओके ओके डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे जी डॉक्टर साहब ये बेसिकली uh, इसको हम टेलीविजन एफिलियम कहते हैं शॉक लॉस कोई भी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट स्ट्रेस या इन चीज़ों से एक... स्ट्रेस से भी बाल करते हैं हाँ स्ट्रेस से भी करते हैं बिल्कुल बिल्कुल करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं बल्कि स्ट्रेस है अगर इंसान को टेंशन हो तो वो गंजा होता है बिल्कुल बिल्कुल करते हैं स्ट्रेस बड़ा पता चला हमारे क्यों बाल कम है बात अच्छा अच्छा तो जिस तरह इन्होंने क्वेश्चन किया कि अब इसके अंदर मौसम बदला गर्मियों से सर्दी आई नॉर्मली तो ये रिकवर कर जाते हैं लेकिन जिस तरह फीमेल थी तो फीमेल के अंदर ये बहुत जरूरी है कि वो जो हर दफा मैं बताता हूँ कि आपका बेसिक न्यूट्रिशनल लेवल जो बालों के लिए न्यूट्रिय चाहिए वो पूरे हैं कि नहीं तो अगर वो कम होंगे और आप शॉक लॉस में जाएंगे तो रिकवरी कम होगी बहुत शॉक लॉस से मुराद है शॉक लॉस, लॉस, चेंज ऑफ स्ट्रेस, वेट जिस तरह सीजन सीजन हाँ। एक दिन में गिरते हैं और कोई तो, तो सौ बाल रोज गिरेंगे और सौ बाल वापस आएंगे अगर इसमें तनासुब नहीं है फिर बाल कम होते चले जाएंगे बिल्कुल ठीक है अहमद है मिया चन्नू से जी मियाँ चन्नू से अहमदम जी मेरा पुत्र सर मेरी ना तेईस साल उम्र है और मेरे बाल कितना शुरू हो गए हैं मतलब पहले बाल पतला पतले होने शुरू उनका हाँ। टेक्सचर पतला का शुरू हुआ फिर आगे से थोड़ से थोड़े बाल जाना शुरू और सेंटर से बाल जाना शुरू हो गए हैं ठीक तो तुम्हारे खानदान में और भी हैं किसी के इस तरह इस सर मेरे मामू मामू वगैरह के हैं पर मेरे दाद के में ऐसे किसी के भी नहीं है बाल तो मतलब बेटा मामू भी तो तेरा रिश्ता ही है ना वो भी तो जीन तेरे अंदर है ना वो भी तो चल रहा है ना मामू बिल्कुल गंजे हैं या थोड़े थोड़े हैं अभी जी सर वो बिल्कुल गंजे हैं पर वो तो मतलब वायर रखते हैं तो इसलिए वो गंजे हैं किस लिए गंजे हैं सर वो सऊदीया में रहते थे तो इसलिए उनके बाल जल्दी उड़ गए हैं सऊदीया में गंजे होते हैं लोग <laughs> ये सर, क्या बात है यार अहमद सर पानी से पानी से अच्छा ये तुमने अच्छी जी. बात की जी डॉक्टर साहब <laughs> फैमिली हिस्ट्री तो है डेफिनेटली और जो अपने मामू को ये कह रहे हैं वो प्रीपोन हो जाता है जिस तरह से सऊदीया और ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे एक सी वाटर ट्रीटेड आता है तो उसमें क्लोरीन क्लोरिन होता है, हाँ। है। तो वो वहाँ पे डेफिनेटली बाल गिरते हैं लेकिन जिसको जेनेटिक प्र डिस्पोजिशन होगी उसी के वो गिरेंगे बॉल्डनेस डेवलप होगी अदरवाइज डॉक्टर साहब ये जो पानी की टैंकियों में साफ करने के लिए क्लोरीन डालते हैं ये बालों के लिए खतरनाक है स्विमिंग पूल्स में जिस तरह पॉइजन है मैं तो कहता हूँ कि जो लोग रेगुलर स्विमर्स हैं डेली बेसिस करते हैं स्विम कैप पहन के स्विमिंग करनी चाहिए मतलब क्योंकि यहाँ पे एक तो पाकिस्तान में स्पेशली उसकी हुँ, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो डोजेज है वो फॉलो नहीं करते ज़्यादा डिली होती है बाज़ात क्वालिटी ऑफ उसकी जो इंग्रीडियंट्स हैं और केमिकल्स डाले होते हैं लोगों ने उसको बिल्कुल क्लीन रखने के लिए फंगस ना हो एल ना हो उसके अंदर जो आपकी वो बूंदी होती है सारी बालों के लिए किस तरह का पानी होना चाहिए बिल्कुल उबला हुआ पानी लेकिन आज के लिए सब करना बहुत आसान हो गया जिसमें प्लांट्स मिल जाते हैं आराम से आप छोटे छोटे वो आपने डिस्पेंसरी पे तो लोगों ने लगाए, लगाए होते हैं लेकिन आप शावर पे लगवाएं अगर आप हेल्दी अच्छा। हेयर क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो पानी है बालों के लिए क्योंकि हर वक्त आना दो दफा गीले होने हैं गर्मियों में तो तो वो अगर आपके पानी के अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बालों की रूट्स के लिए अनहेल्दी हैं तो आपके वो दो दफा अगर आप शावर ले रहे हैं तो वो डिपॉजिट हो रहा है आपके रूँ इसका रूँ है। मतलब ये हुआ कि कुएं के पानी से नहाना ट्यूबवेल से नहाना सबसे अच्छी बात हेल्दी सबसे हेल्दी है फ्रेश वाटर उन्हें समझ आई पेंडुआस पानी इतना प्योर है कमाल बात है जी अमेकमी जी मेरा पुत्र हाँ जी सर मेरे तीस साल उम्र है सर और बचपन से मेरे बाल बहुत थे तो अभी बचपन ही है बचपन कब कब था से बाल गिर रहे हैं तकरीबन आठ दस साल से तो गिर रहे हैं लेकिन अब ज्यादा हो गए और गंज पड़ गया है सर किस जगह पे है फ्रंट सामने की तरफ है गंज दरमियान में कहा पे सामने 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 बाल पतले हैं तुम्हारे मोटे हैं पतले हैं सर अच्छा ये बताओ कि खानदान में और भी किसी तरफ है मामू चाचा ताया जी सर मेरे बाल साल के थे तो तो अल्लाह ताला ने तो देनी है 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 ना ये बताओ पानी 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 को कैसा कैसा पानी है जैसे तुम नहाते हो वाह डॉक्टर साहब अब करता तो उधर ज़मीनी पीते रहे ज़्यादा गिरे क्या रहे? बात है क्या बात है बट अगेन जिस तरह से होता है कि वो

जीन जो बॉलनेस की जीन है, वो मेल्स मतलब में। बाप गंजा है तो बेटी गंजी नहीं होती बेटा हाँ। गंजा है। उसमें एक तो जेनेटिक है और प्लस जीन के साथ आपका हार्मोन एक्टिवेट करता है जीन को तो जो मेल हार्मोन है वो बॉल्डनेस की जीन एक्टिवेट करता है जो मेल हार्मोन है वो गंजेपन की तरफ लेकर जाते लेकर जाता है तो वो फीमेल्स में नहीं होता है अगर उसमें हारमोन का प्रॉब्लम हो तो फीमेल के अंदर भी मेल पैटर्न बॉलनेस हो जाती है बहुत कम लेस देन पॉइंट वन परसेंट है जिनका है। वो हार्मोनल डिस्टरबेंस और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है ऐसी कई इश्यूज हो जाते हैं तो उसमें वो फिर वो सेम मेल पैटर्न बॉल्डनेस तो खवातीन भी बालों को एफ यू करवाती हैं या करवा सकती हैं खवातीन में ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है अगर अर्ली हो तो काफी हद तक रिकवरी हो जाती है तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है बट हो सकता है हो सकता है राघिब भाई ये एक बड़ा मुद्दा जो है ना वो पैदा होता है और बार बार माशरे में पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने आपको एक मुकम्मल शख्सियत दी और जैसे भी दिया आप उसको कबूल करें उसके अंदर इंटरफेयर करना कॉस्मेटिकली मुझे कोई ज़िंदगी का थ्रेट नहीं है कि मैं सर्जरी कराऊँ कॉस्मेटिकली शर्न कैसे देखेंगे बिसमी आज का मौजू बड़ा अहम मौजू है बालों के ट्रांसप्लांट के हवाले से और मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा जी जी इसके मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं मसाइल हैं मसाइल ने है। बिल्कुल अच्छा। मसाइल से मुराद है कि फ़िकी मसाइल ठीक है ठीक हाँ। है ये फिका के फिका, है। के मसायल। मसायल। फिका के मसाइल ज़ाहिर बात है मैंने फ़िका के मसाइल बयान करने डॉक्टर साहब ने जो है ना वो उसके कॉस्मेटिक मसाइल उनको बयान करेंगे देखिए बालों को लगाने के बारे में पहले एक हदीसी मुबारक मैं आपके सामने पेश करूँगा नबी करीम ने फरमाया वासिला और मुस्तौला इनके ऊपर लानत है ये कौन है ये वो ख़ीन हैं जो अपने बालों में बालों को बढ़ाने के लिए दूसरों के बाल कटवा के शामिल कर लेती हैं विग विग कह सकते हैं पुराने ज़माने में बालों की पूरी की पूरी लटें हाँ। अपने बालों में साथ जोड़ के जैसे हम कहते हैं ना तो खातियाँ आज भी ये करती हैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि नबी करीम अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये अमल ऐसा अमल है जो पसंदीदा नहीं है ठीक ऐसे यह अमल यह किसी कि कि के बालों को आप अपने बालों में शामिल बालों ना करें। अपने बालों में शामिल नहीं करेंगे ये एक बुनियादी असूल है इसी बुनियाद को हम आगे चलते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना है बालों को लगवाना है अगर वो अपने ही बाल हैं अपने ही सर के मुखल हिस्सों से बालों को निकाल के लगाया जा सकता है दाढ़ी के भी और सीने के भी बाल सर पे लगाया जा सकते हैं

हम ये बात अच्छा, कर रहे हैं कि किसी के बालों को नहीं लगाया किसी के सकते हैं अब दो तरह के ट्रांसप्लांटेशन है एक तो आर्जी है जिसे हम विग कहते हैं है। अब विग का फिकी मसला यह है कि अगर विग आपकी आरजी है, है वो ऐसी चिप ऐसी दवाई के साथ आपने चिपकाई हुई नहीं है जिसका अलग होना मुमकिन ना हो अगर अलग ऐसी दवाई हो वो तो दवाई ईजाद ही नहीं हुई अभी नहीं दवाई कह लें या सलोशन कह लें कोई भी चीज आप कह लें जो भी होगा टेम्प्री होगा

अच्छा फार्मूला हो हो तो बता दें शफकत किस तरह के गिर रहे हैं मतलब नहाने से गिरते हैं या सारा साल ही गिरते हैं या क्या होता है नहीं नहीं उधर मैं जब मैं सऊदीया में रहता हूँ तो अच्छा। तो उधर पानी सही नहीं है खारा पानी पानी है पानी उसी की वजह से तो तुम ऐसा वैसा नहीं कर सकते कि पानी को उबाल लिया करो सर पे डालने के लिए जिस दिन सर धोना हो पानी उबाल के कर लो वो तो होते हैं ना उधर नहीं नहीं मिनरल वाटर से धो लें जो पीने वाला पानी जो पानी पीने वाला है तुम उससे धो लिया करो

की फैमिली में मामू को भी होगा जी yeah. हाँ हाँ क्योंकि फैमिली में हिस्ट्री है तो अगर एक दफ़ा गिरने शुरू हो गए हम इसको बिल्कुल रोक नहीं सकते लेकिन अस्सी नब्बे फीसद स्लो कर सकते हैं तो आप इसमें मनाक्सिडल सॉल्यूशन ये लगाना शुरू कर दें अभी उससे फ़र्क पड़ जाएगा प्लस प्रॉब्लम इनका शुरू सऊदिया जाने से हुआ है जो लग रहा है हिस्ट्री से जी.

अच्छा जरूर दिखाओ जरूर दिखाओ क्योंकि ये वे तुम्हारी खुराक में गोश्त या दालें या लोबिया इस तरह की चीजें कितनी है ये नॉर्मल है, तो जरूर है जरूर है लेकिन ज़्यादातर नहीं नॉर्मल है अच्छा सिकरी क्या कहना चाहिए खुशकी है बालों में नहीं खुशकी कभी होती है कभी इतनी नहीं है इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हाँ प्रोटीन डेफिशिएंसी लग रही है क्योंकि हेयर शाफ्ट ब्रेक हो रही है रूट्स नहीं कर रही बीच में से टूट जाती है और दूसरा सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स ना यूज़ करें और शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करें जरूर कंडीशनर हाँ जरूर लगाएं शैम्पू के बाद क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि आप हार्ड शैम्पू कर रहे हैं या उसे बाल ड्राई हो रहे हैं तो वो फिर फ्रिक्शन आपके कंगे और ब्रश से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो भी तोड़ता है बाल ऑलरेडी वीक होता है तो कंडीशनर यूज़ करेंगे तो स्मूथ रहेगा और प्लस उसके जो शाफ्ट की हेयरिटी उसको भी थोड़ा सा वो फिल करके मॉइस्चराइज करेगा फरजाना है लाइन पे जी फरजाना आप इस्तेमाल करती हैं कंडीशनर वगैरह है? शैम्पू के बाद जी 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 नहीं वो नहीं वो मैं नहीं करती हूँ बाकी शैंपू करती हूँ

वाई तो वाई बन जाता है वाई बन जाता है ये क्यों होता है इसमें भी वीकनेस यानी कि आपके न्यूट्रिएंट्स का इशू है आप आ, का आयरन डेफिशिएंसी से हो जाता है बहुत ज़्यादा थायराइड डिसऑर्डर से हो जाता है मेडिकल अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन कई ऐसी हैं डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से यानी कि कटवाना हल नहीं है कि कटवा लें डबल एंड अगर है तो। आपकी असेसमेंट हो चुकी है उसके बावजूद स्प्लिट एंड हो रहे हैं तो कई लोगों का ये होता है कि वो यही शैम्पू सब स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो उसमें भी वो बाल फट जाते हैं आगे जाके ठीक है ठीक लेकिन मोस्टली शाफ्ट एब है बेसिकली ये भी तो एक दफा ऐसा जरूर होना चाहिए एक हो रहा है, है। हाँ वो वापस आता हूं लेकिन ये बात कभी किसी को नहीं पता थी कि बालों का फटना जो है ये एक एब नॉर्मेलिटी है इसका इलाज क्या होगा वापस आइए अर्ज करते हैं डॉक्टर साहब ने डॉ राब ने एक बड़ी अहम बात कर दी जिसके कि तशरी करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है डॉक्टर साहब आपने कहा कि बालों के अंदर लटे को डालना जो है ये ठीक नहीं है अपने बालों में दूसरों के बालों को शामिल करना जो है ये मिलावट में आएगा किस में आएगा ये ज़ाहिर बातें खात में ख़ासतौर पर बालों का ज़्यादा होना और ख़ासतौर पर बर जगर के माशरे के अंदर एक ख़ूबी समझी जाती है और जिस खा के बाल कम हों

लगा रहेगा लेकिन उसकी एक सर्टन एज हो वीक्स के बाद थ्री फोर वीक्स के बाद आपको रीफिक्सिंग करना पड़ता है अच्छा। प्रोफेशनल जाके कराना पड़ता है अच्छा अच्छा और अच्छा, वो अच्छा। भी होता है यानी कि उसमें से एयर वाटर पेस्परेशन सब पास करता है एक सेकंडरी का इन पे आप नमाज कैसे पढ़ेंगे इनके ऊपर इन्हीं बालों पर मसा भी होगा इन्हीं पर होगा इन्हीं पर होगा परमिबल है ना इन्हीं पर ही होगा असूल यह है जिसका आसानी के साथ उतारना मुमकिन है उसके लिए आप उतार के करेंगे और जिसका आसानी से उतारना मुमकिन नहीं है जिसरा बयान करें डॉक्टर साहब भी कि प्रोफेशनल के पास आपको जाना पड़ेगा और उसमें पानी उसने की भी है, है। अच्छा, वो तो डॉक्टर है ना उनका तो काम है ये आपने ये सारी कॉस्मेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है आपको कैसे पता चीज़ देखिए हमारे शायद लोग आते हैं

तो अच्छा। एहतियातन अपना थायराइड प्रोफाइल कर लें चेक कर लें डर्माटोलॉजिस्ट को या किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लें ताकि वो खुद ही चेक कर लेगा कि, कि ये जेनेटिकल हाँ। है या नहीं आमिर आप लाइन पर हैं जी है आपके खानदान में करली बाल हैं लोगों के हमारे खानदान में नहीं सर ऐसे खास नहीं तो नहीं किसी के मेरे तो ये बाल, बाल नहीं है 19 साल तक आपके बिल्कुल स्ट्रेट बाल थे बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट थे फिर आप चेक करवा लें फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से जरूर मिलें और थायराइड का अपना टेस्ट करवा लें थायरयड टेस्ट याद रहेगा आमिर बिल्कुल सर याद याद रहेगा रहेगा टेस्ट ये जरूर करा लेना और एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिल लेना डॉक्टर तो साहब तो आमतौर तौर पर लोगों के खानदानी तौर पर कर्ली हेयर खातिन मर्दों के दोनों के होते तो हैं वो बुरी बात है अच्छी बात है नहीं वो तो नेचुरल एक ट्रेट है जिस तरह कलर्ड आइज हैं किसी की ब्राउन है किसी की ब्लू है किसी की ब्लैक है तो इसी तरह हेयर की जो टेक्स्चर है उसकी भी जीन है कि आपके स्ट्रेट होना है कर्ली होना है वेवी होना है तो वो आप चेंज नहीं कर सकते और अक्सर हेयर लॉस का रीजन भी होता है कि कई लोग अपने टेक्सचर को चेंज करने के लिए करली को स्ट्रेट स्ट्रेटनिंग क्रीम्स करते हैं वो करते हैं उससे बहुत ज्यादा फिर हेयर लॉस वो डैमेज होता है क्योंकि वो क्रीम आपकी रूट के हो लिए तो उनको स्ट्रेट नहीं करना नहीं करना चाहिए।, चाहिए वो जो गर्म करके कर लेते हैं वो डैमेज है वो अगर गर्म करके आयरन से करेंगे आप हेयर आयरन से तो वो आपके हेयर टेक्स्चर को डैमेज करेगा और अगर आप क्रीम से करेंगे तो रूट डैमेज होगी अल्लाह अकबर तो चेंज नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब आपने फरमाया था अभी कोई दोस्त पूछ रहे हैं हमारे साथ ई मेल पर वो कह रहे हैं कि आपने फरमाया था कि फिल्ट्रेशन को लगानी है बाथरूम टैब के साथ या शावर के साथ वो क्या चीज़ है वो जिन जगहों पर पानी अच्छा नहीं है मिडिल ईस्ट है या हमारे फैसलाबाद कराची में भी इशू है तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस आर ओ प्लांट होता है छोटा बिल्कुल जो आप वाटर डिस्पेंसर के साथ लगाते हैं तो वो अपने शावर के साथ लगा रहे हैं जहाँ आप शावर लेते हैं तो आपका जो वाटर आएगा वो उसमें से वो इम्प्योरिटीज और वो

या तुम्हें किसी शहर की तरफ आकर ना हाँ। एक अच्छे जिल्द के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ताकि वो वो चीज़ें बता सके जो कि इनके खून के टेस्ट के आएंगी और आनी चाहिए छोटा सा वक्फा वापस आते हैं होता है। जी, ये, हेर, हेर दो तरह का होता है एक वो होता है जिसके अंदर आपकी हेयर लाइन रिसीड करनी शुरू करते माथा चौड़ा होना शुरू हो जाए और एक होता है की आपकी हेयर की डेंसिटी घनापन कम होना शुरू हो जाए आपकी हेयर लाइन चेंज ना हो तो दोनों चीजें जो हैं उनकी डायग्नोसिस फर्क है अगर हेयर लाइन पीछे जा रही है तो फिर मोस्ट प्रॉबली आपको या तो कोई स्किन डिजीज है सीरियस या आपको जेनेटिक uh, पैटर्न है आपकी फैमिली में ठीक है क्योंकि मोस्टली जो और अगर घना कमपन ड्रॉप हो रहा है तो वो एक अच्छी चीज है कि वो ट्रीटेबल है क्योंकि दैट मीनस कि वो पैटर्न एलोपिशिया का होना बहुत कम चांस है उसके अंदर वो कोई ना कोई आपको डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट न्यूट्रिय सब आमतौर पे बाल लोग कहते हैं कि जड़ से मोटा है और पीछे से पतला हो जाता है ये नॉर्मल है चीज़ नहीं ये ये भी डेफिशिएंसी प्रोटीन डेफिशिएंसी में होता है ठीक है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में होता है कि आपका जो कैरेटिन प्रोडक्शन है आपकी जो रूट फॉलिकल बना रहा है वो उसको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे और आपकी शाफ्ट जितनी लंबी हो सकती है वो नहीं हो रही है वो उसकी पूरी जो डायमीटर है वो पूरा मेंटेन नहीं हो रहा है एंड तक ये ये मैं बात अगर सही कहूँ तो इसका मतलब कि इंसान के बालों का ताल्लुक बहुत हद तक जो है वो उसके खाने के ऊपर मुनसर है कि वो खा क्या रहा जी, है बेसिकली स्किन और हेल्थ बार बार हम, हम हमेशा पेशेंट्स हम को भी कहता हूँ कि स्किन और हेल्थ दो आपके ऐसे ऑर्गन हैं जो आपकी इंटरनल हेल्थ की रिफ्लेक्शन है ठीक ठीक है तो कुछ भी चीज़ आपके इंटरनल कुछ चेंज हो रही है तो बॉडी सबसे पहले स्किन और हेल्थ से वो न्यूट्रिय स्ट्रेच करता है क्योंकि ये दोनों ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते तो जिस तरह भी फेरेटेन टेस्ट चाहिए है में क्योंकि में होती है तो ब्लड के अंदर आयरन लेवल नॉर्मल आ रहा होगा लेकिन फेरेटिन आप हाईली डिप्लीटेड होंगे तो वो क्या करती है बॉडी का नेचुरल आयरन लेवल्स ड्रॉप करते हैं तो वो आपके आयरन स्टोर कंज्यूम करना शुरू कर देती है और ऐसी जगह जो नॉन लाइफ सस्टेनिंग है जो बाल हैं वहां पे आयरन सप्लाई कम हो जाती है और बाकी जहां पे लाइफ सस्टेनिंग आपको आर में आयरन चाहिए तो वहां पे वहाँ सर्वाइवल, सर्वाइवल मोड में चली जाती है सर्वाइवल मोड में मैं 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 मैंने डॉक्टर साहब बहुत से ऐसे लोगों को देखा है और मैं ये बात देखने और मुशाहे की बुनियाद पर कह रहा हूँ जैसे आपने फरमाया कि दाढ़ी के बालों को नोचना ममनू है ये मैं सही कह रहा हूँ वो वैक्सिंग कराते हैं शेप बनाने के लिए ये वैक्सिंग किस हद तक सही और गलत के साथ है साथ दाड़ी के दाड़ी के साथ देखिए दाढ़ी क्या चीज़ है दाढ़ी वो है जो कि आपके इस हिस्से के ऊपर बाल हैं जी कुछ के आगे तक गए होते हैं ये जो रुखसार के ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल उसको दाढ़ी के अंदर शुमार नहीं किया जाएगा ठीक है उसको आप वैक्स कर सकते हैं दाढ़ी वही है जो कि आपके लेहिया इसे कहते हैं जबड़ा जो जबड़े के ऊपर चीज़ आएगी वो दाढ़ी खेलाएगी जबड़े से ऊपर चली जाएगी पे आ जाएगी वो दाढ़ी के सर के बालों को लगाना हो तो जबड़े से ऊपर के बालों को लगवाया जा सकता है बिल्कुल आप इसको एंड रिजल्ट ये कैसे आप, हैं आप आसानी <laughs> करते चले जा रहे हैं अच्छा फिर उसके बाद हम हम जो पिछली वाली बात है उसको मैं आगे मुकम्मल करना चाहूँगा कि देखिए ऐसा ऐप जो इंसान की तख्लीक के बाद उसमें पैदा हुआ है वो उस ऐप को अगर उसका ताल्लुक जल्द के साथ है या कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ है, वो उसको दूर कर सकता है वो उसके ज़रिए अपने उस ऐप को वापस ख़त्म कर सकता है और असली चीज़ को ला सकता है मिसाल के तौर पे कैंसर की वजह से एक खातून की हमें ब्रेस्ट काटना पड़ गई है अब कोई भी ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी जिसके तरीके से हम उसको असल हालत के ऊपर नॉर्मलाइज कर दें तो ये, दे, ये जाएज जाएज है, है ये की जा सकती है ठीक हुई वो पैदा ठीक हुई थी इसी तरीके से बालों का मामला भी है कि गंजापन जो है ये बाद में पैदा हुआ असल इंसान की है उसके बालों के साथ है अच्छा अब इसमें एक और बड़ा सवाल पैदा होता है सर मैं पूछना चाहता हूँ थर्टी फाइव ईयर और खानदान में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो गंजेपन का शिकार हो ना जिसके बाल ना हो अच्छा तो मेरे बाल जो है वो गिर रहे हैं पतले हो रहे हैं सर

जब भी थारब नॉर्मेलिटी होगी तो आपका हेयर टेक्सचर भी चेंज होता है शाइन कम हो जाती है और ग्रोथ जिस तरह ये बता रहे हैं कि पहले लंबे हो रहे थे और ओवरऑल जो टेक्सचर चेंज में करली और स्ट्रेट का भी है कि पहले स्ट्रेट थे और करली हो गए वेव आ गई ठीक है क्या वेव आने का मतलब है कि उनके अंदर जिंदगी या ताकत कम हो गई हाँ मतलब दो रीजन है या तो थायराइड की वजह से हो रहा है जी न्यूट्रिशन नहीं है या फिर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है क्रॉनिक

ठीक है जरा जरा बात सुनना डॉक्टर साहब की डॉक्टर टाइफाइड के बाद टाइफाइड के बाद नॉर्मली हो जाता है हेयर लॉस होता है और वो भी वो शॉक लॉस जो हम कहते हैं टाइफाइड डेंगी मलेरिया इन तीनों के बाद आपके बाल हेयर साइकिल रीचेंज में जाते हैं और ये आ जाते हैं नॉर्मली शॉक लॉस लेकिन अगेन अगर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं अगर खाना पीना खाना पीना ठीक है तो

अगर क्राउन डेवेलप पहले हो रहा है तो हेयरलाइन भी रिसीड करती है वेरी रेयर केसेस है तो वो सामने एक हेयरलाइन रह जाती है और पीछे से सारा खाली हो जाता है तो ये बेसिकली जस्ट लाइक जेनेटिक आपकी जीन्स में एक ब्लू प्रिंट डिफाइंड है जिस तरह आपकी शेव यहां पे थिक होती है और आगे नहीं आती तो इस तरह वो डिफाइंड है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं इसीलिए इसको कि एक पैटर्न में हेयर लॉस होता है क्योंकि साइड्स पे बाल बच जाते हैं पीछे वाले बच जाते हैं ये नहीं गिरते तो इसलिए दिस इज इस कॉल्ड मेल पैटर्न पैटर्न जेनेटिक बॉलनेस तो और ये किसी डेफिशिएंसी से नहीं होती क्योंकि अगर डेफिशिएंसी से होगी तो सारे सर के बाल इफेक्ट होंगे ठीक 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 डॉक्टर साहब हेयर डाई लगाने से क्या फर्क पड़ता है कितना फर्क पड़ता है हेयर डाई से अगर तो अमोनिया फ्री डाइज हैं वो इतना डैमेज के तौर पर नेचुरल हैं जो हाँ जी या ठीक है अन, हाँ, अमोनिया फ्री अदरवाइज भी हैं हाँ अमोनिया फ्री डाए से डाए से बालों को इतना डैमेज नहीं होता अगर वो प्रॉपरली उसका टाइमिंग और वो आप ओवर डू नहीं कर रहे या बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत ओवर डू नहीं कर रहे ठीक तो नॉर्मली जो लोगों में कॉन्सेप्ट है कि डाई की वजह से बाल गिर जाएंगे डाई से बाल गिरते नहीं हैं डाय से न लेकिन डायनिया फ्री डाय। होना चाहिए अमोनिया फ्री ठीक है डॉक्टर साहब ये जो एफ यू टी करते हैं यानी कि जो कट लगाते हैं आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि ये जो कट लगा के बालों को काट के तो आगे लगाया जाता है तो बाल क्योंकि पीछे से कट किया जाता है जी तो सर्कुलेशन खून की कम हो जाती है और पीछे से इंसान गंजा होना शुरू हो जाता है ये ठीक है नहीं ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है जो हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से लोगों के पीछे डोनर एरियाज में कोई प्रॉब्लम आए उसको कहते हैं ओवर हार्वेस्टिंग यानी कि आप किसी प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर नहीं है या प्रॉपर वो तो उसमें वहां से जो डोनर की एक लिमिट है जो आप ले सकते हैं ठीक ठीक है और वो लिमिट है फिफ्टी परसेंट ऑफ द अवेलेबल अगर आप फिफ्टी परसेंट से ऊपर जाएंगे तो आपके डोनर एरिया में नजर आनी शुरू हो जाएगी तो ये बेसिकली आपकी उस ओवर हार्वेस्टिंग कहते हैं उसको जितना आपके पास गुंजाइश थी आपने उससे ज्यादा निकाल लिया इसकी वजह से इसकी वो अच्छा डॉक्टर साहब कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त हैं मीडिया पे भी ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिनको के इन्होंने के बालों की एफ कराई लेकिन उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया और ज़ख्म बकायदा सर के ऊपर हो गया इसकी क्या वजह होती थी बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट बहुत माइनर सर्जरी है और बहुत सेफ है लेकिन हसन भाई को देखा हाँ, आपने साजिद का जो इशू हुआ था वो ये है कि वो डायबिटीज़ और क्रॉनिक स्मोकिंग अगर हो तो आप बहुत बड़ा सेशन यानी कि जैसे हम तारे थे चार हजार रूट पाँच हज़ार रूट हम एक दिन में कर सकते हैं वो नहीं करनी चाहिए उसको फिर डिवाइड करके छोटे सेशन करने चाहिए क्योंकि ब्लड सप्लाई स्मोकिंग से भी कम होती है स्कैल्प की और आपकी शुगर से भी कम होती है तो आपके जो स्कैल्प होता है वो इतना आपका प्रिपेयर नहीं होता कि वो इतने ज़्यादा बालों को वो सपोर्ट कर सके ब्लड सप्लाई तो अब वो थोड़े थोड़े करके लगाएंगे छोटे सेशन करें थ्री थ्री मंथ्स के गैप के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये इन्फेक्शन भी इसकी वजह हो सकती है नहीं इन्फेक्शन हेड्रास इफेक्शन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है अच्छा हाँ नॉन एग्जिस्टेंट है अगर क्लिनिक स्टेराइल है टेक्निक स्टेराइल प्रेजेंट हो रही है वहाँ पे आपकी जो हैबिट्स हैं जो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं क्लिनिक के वो अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो हेयर हेड्रासम्रोन इन्फेक्शन बहुत रेयर है डॉक्टर साहब बालों को रंगने से बाल गिरते नहीं है ये अच्छी बात बता दी कि जिसमें अमोनिया ना हो दाढ़ी को रंगा जा सकता है

अब हंड्रेड परसेंट ब्लैक कलर के अंदर रंगने की ममान है कि जिससे बिल्कुल ये महसूस हो होकर जवान हो गया है और इसकी उम्र जो है वो कम है इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो बड़े उलमा हैं वो अपने दाढ़ी को या अपने बालों को जो रंगते हैं वो आमतौर पे ब्लैक से नहीं रंगते हैं डार्क ब्राउन से कर सकते डार्क ब्राउन से कर सकते हैं लाइटिश मोड में आ जाते हैं है। और या फिर यह है कि मेहंदी के ज़रिए ब्लैक में क्यों नहीं बात हुई आ जाए कि उसमें उम्र का धोखा देना शामिल हो जाता है तो तबर अच्छा। किया जाता है इसको हदीस में इसकी ये ममान खजाब की ममानियत है ना खजाब क्या है पुराने जमाने में बालों को काला करने का एक तरीक़ेकार था ठीक तो वो खजाब तो अब तो है ही नहीं नहीं देखिए असल में है क्या चीज़ अगर अगर जो रंग है वो बाल के अंदर जजब हो जाता है जजब नहीं होता ये इसके ऊपर एक लेयर बनता है लेर यही बात है ना अगर लेयर आती है ना इवन उससे फिर वुजू में भी प्रॉब्लम है मसा नहीं होगा जिसका मतलब जो डाई करता है उसका मसा नहीं होगा उसका मसा नहीं होगा अगर वो जजब कर जाता है अंदर हाँ। फिर मसा होगा अगर ये उसूल रखें जहन में जो चीज़ भी है जो आप लगा, करे लगा रहे हैं। क्या जजब हो सकता है रंग के अंदर हाँ डाइज बेसिकली डिफरेंट टेक्नोलॉजी डाइज हैं जो आपके हेड शाफ्ट को ओपन करती हैं और अंदर चला जाता है एक्चुअली आपने, आपने मसला हल कर दिया बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का तमाम मानों का ये वो मसाइल हैं जो कि आम जिंदगी में रोज़मर्रा की जिंदगी में होता है लेकिन हमारे पास वसीला नहीं होता इन दोनों दोस्तों का दोनों उस्तादों का दोनों दो डॉक्टर साहिबान का इंतहाई ममनून जिन्होंने ये वसीला बन के हम तक आसानियाँ पहुँचाई